was scene two, act two, scene two तक का आपका homework था. Scene one जो remaining रह गया था वो आपको homework दिया था, और जिसके अंदर जो है हम देखते हैं कि Iago, Desdemona और Emilia जो है वो पहुंच जाते हैं, Cassio उनको welcome करता है और उसकी praise में बहुत सारे words कहता है. उसके बाद जो है Iago और Desdemona की जो है वो आपस में जो है एक बहस चल पड़ती है, और जो दोनों है मतलब Iago जो है वो totally against है खवातीन के, और उसके बारे में एक बहुत चीप एक जिसे कहना चाहिए एक ओपिनियन है अबाउट द वीमेन, जबकि Desdemona जो है वो इसको डिफेंड करती है कि खवातीन ऐसी नहीं होती और उसकी जो बीवी है वो बहुत अच्छी है. करते करते बहरहाल ये पता चलता है कि एट द एंड हम ये देखते हैं कि जब एक्ट टू सीन टू स्टार्ट होता है, खैर उसके बाद ओथेलो भी वहां पे पहुंच जाता है, सब ओथेलो को वेलकम करते हैं, और ओथेलो सीन टू एक्ट टू सीन टू में सॉरी एट द एंड जो है रोड्रिगो और Iago की जो है आपस में कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें वो दोनों जो है कुछ प्लान करते हैं, जिसमें उन्होंने किसी तरीके से Iago ने एंट्रैप करना है Cassio को और ओथेलो को. एक्ट टू सीन टू में हम देखते हैं कि ओथेलो हेराल्ड्स एंटर्स टू प्रोक्लेम दैट द टर्क्स आर नॉट गोइंग टू अटैक. ठीक है, अब पता चलता है एक्ट टू सीन टू में कि वो जो टर्क्स हैं वो अब अटैक नहीं करेंगे, और क्योंकि उनका जो उनके जो शिप्स होते हैं वो सब जो है वो समंदरी तूफान की वजह से कुछ तो उनके बिल्कुल रैक हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड बाई द स्टॉर्म, और सेकेंडली जो बाकी रह जाते हैं वो सब वापस चले जाते हैं, तो इस वजह से टर्क्स जो है वो साइप्रस पे अटैक नहीं करते. ऑल शुड बी जॉयफुल, सब बहुत खुश होते हैं, एंड ओथेलो इज सेलिब्रेटिंग द हैप्पीनेस ऑफ हिज रीसेंट मैरिज, और ओथेलो जो है अब वो सेलिब्रेट करता है रीसेंट मैरिज जो है उसकी हैप्पीनेस को. आगे चलते हैं एक्ट टू सीन थ्री के अंदर, उसकी थोड़ी सी समरी पढ़ लेते हैं. अब जो Iago gets Cassio to drink a bit, knowing that he cannot hold his liquor at all. और Iago जो है वो Cassio को बहुत ज़्यादा एक तरह से इमोशनल कर देता है. वो कहता है कि तुम जो हो मतलब ये जो शराब है तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुम अपने आप को काबू नहीं कर पाओगे, और यही कह के वो उसको बहुत ज़्यादा शराब पिला देता है. Iago also tries to get Cassio's feeling about Desdemona, और वो कोशिश करता है कि वो Cassio की फीलिंग अबाउट Desdemona जो है उसको मतलब उस शराब पिलाने के बाद वो उससे वो जो उसकी Desdemona के बारे में फीलिंग्स हैं उसको वो हासिल कर सके किसी तरह, बट हिज इंटेंशंस आर इनोसेंट, लेकिन उसकी इंटेंशंस बहुत इनोसेंट होती हैं Cassio की. Iago होप्स टू कॉज अ क्वारल बिटवीन Cassio एंड रोड्रिगो. अब Iago जो है एक झगड़ा करवाने की कोशिश करता है Cassio और रोड्रिगो में. Iago wants to see Cassio discredited through this. और वो जो है इस quarrel के जरिए वो चाहता है कि Cassio जो है उसको उसकी लेफ्टिनेंट की सीट से हटा दिया जाए, so that he might take Cassio's place, ताकि वो Cassio की जगह खुद लेफ्टिनेंट बन जाए. Cassio fights with Rodrigo. Finally जो है Cassio जो है वो Rodrigo से उसकी लड़ाई हो जाती है. Montano tries to hinder Cassio. अब Montano जब Cassio को रोकने की कोशिश करता है, बट Cassio ends up injuring him. लेकिन Cassio जो है वो Montano को एक मुक्का दे मारता है. The noise wakes Othello. अब जो वहां से शोर होता है वो Othello उसकी वजह से जाग जाता है. Who come down to fight out what has happened. जो कि देखने आता है, figure out करने आता है, देखने आता है, find out करने आता है कि यहाँ पे क्या हुआ है. Montano tells that he knows of it all, and Iago fills in the rest, making sure to fictionalize his part in it all. अब Iago सिर्फ वो Montano तो वो बताता है जो उसने वो जो जानता होता है कि भाई मुझे Cassio ने मारा है, और Iago जो है बाकी सारी जो स्टोरी है उसको फिक्शनलाइज कर देता है, ताकि एक झूठी कहानी बना देता है जिसमें वो ये शो करता है कि सारा कसूर शायद Cassio का है, और Cassio ने जो है बहुत इमेच्योरली बिहेव किया है. Cassio is stripped of his rank. Cassio को उसके रैंक से हटा दिया जाता है,
एंड ऑल लीव कैसियो एंड इयागो अलोन, और सब कैसियो और इयागो को अकेला छोड़ के चले जाते हैं. इयागो ट्राइज टू कन्विंस कैसियो दैट अ रेपुटेशन मीन्स लिटल. इयागो जो है वो कैसियो को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि रेपुटेशन बहुत मतलब छोटी सी चीज है, तुम इतना ज्यादा परेशान ना हो, तुम्हारी रेपुटेशन मतलब अगर किसी की खराब हो जाए तो ये बहुत मामूली सी बात होती है, ऐसा होता रहता है. Iago suggests talking to Desdemona, maybe he can get her to vouch for him with Othello. और Iago जो है वो suggest करता है talking to Desdemona के वो Desdemona से बात करे, maybe he can get her to vouch for him with Othello. और शायद वो जो है Desdemona जो है Othello के सामने उसको clear कर सके इस मामले में. This will help Iago get the impression across that Desdemona and Cassio are together. अब ये जो है Iago जो है क्यों सजेस्ट करता है कि कैसियो जो है वो Desdemona से बात करे, ताकि जो है Othello की नजर में जो है कैसियो क्लियर हो सके. लेकिन Iago ये सब क्यों प्लांट कर रहा होता है, ये सब क्यों प्लान करता है, ताकि वो ये शो कर सके Othello के सामने कि Desdemona और कैसियो जो है ये दोनों आपस में मिले हुए हैं. Iago then gives a soliloquy about knowing that Desdemona will speak for Cassio. और Iago फिर एक soliloquy. Soliloquy कहते हैं खुद कलामी करना लेकिन audience से बात करना. Bugs Bunny वाले cartoon देखे हैं हम लोगों ने, वो Bugs Bunny थोड़ी देर बाद जब कुछ करने लगता है वो एक मतलब गाल के ऊपर ऐसे उल्टा हाथ रख के और वो audience से बात करना जाता है कि भाई देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसको soliloquy कहते हैं. ठीक है, खुद कलामी करना लेकिन बेसिकली वो कैरेक्टर जो होता है वो ऑडियंस से बात कर रहा होता है, अकेला ही होता है लेकिन वो ऑडियंस को बताता है कि देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ. तो Iago जो है वो एक सोलिलोक्वी करता है, वो यानी कि खुद कलामी करता है अबाउट नोइंग के वो ये जानता है कि Desdemona जो है अब वो कैसियो से बात करेगी एंड दैट ही विल बी एबल टू टर्न दैट अगेंस्ट देम बोथ. और वो जो है अब इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट करेगा, किसको Othello और Desdemona को एक दूसरे के अगेंस्ट कर देगा. अच्छा जी आगे बेटा ये एनालिसिस है, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, स्लाइड आप लोगों को शेयर की हुई है. अब हम जो है चलते हैं अपने टेक्स्ट बुक्स की तरफ. हमारा है एक्ट टू एंड सीन थ्री. अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स खोल लीजिएगा. एक्ट टू थ्री सीन अ हॉल इन द कैसल Until Othello, Desdemona, Cassio, and attendants. Othello, good Michael, look you to the guard tonight. ठीक है, और वो कहता है, good Michael, look to guard duty tonight. And let us, और फिर वो कहता है, let's teach ourselves that honorable storm. और वो कहता है कि अब हमें यहाँ पे एक excellent lesson of learning जो है, वो हमें मतलब teach करना चाहिए. That honorable stop, where to stop, not to outsport discretion, so that our rivalry does not exceed proper limits. के ताके वो कहता अब हमें यहाँ पे आके एक honorable stop लेना चाहिए और यहाँ पे आके हमें एक दूसरे को teach करना चाहिए ताकि हमारा जो दुश्मन है वो मजीद हमारे खिलाफ कोई काम ना कर सके. Cassio, Iago had direction what to do. और वो Cassio कहता है Iago has order to do the needful. Iago को पता है कि क्या करना है. वो कहता है कि मतलब Othello को वो कहता है कि हम लोग already मतलब ये decide कर चुके हैं कि हमें अपने दुश्मन के साथ कैसे fight करना है. But notwithstanding with my personal life will I look to it. But all the same I will attend it personally. वो कहता है Iago तो जानता है लेकिन अभी मैं इसको खुद भी personally देखूंगा. अभी तक मैंने इसको personally नहीं check किया. Othello, Iago is most honest. Othello कहता है Iago बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा ऑनेस्ट है. माइकल गुड नाइट. माइकल एक्चुअली वो Cassio को कह रहा है. Cassio का पूरा नाम माइकल Cassio था ना, तो वो कहता है माइकल गुड नाइट, टुमारो विल विद योर अर्लीस्ट लेट मी हैव स्पीच विद यू. तो वो कहता है लेट मी टॉक टू यू टुमारो मॉर्निंग टू Desdemona कम माई डियर लव द परचेज मेड द फ्रूट्स आर टू एंसू. और वो अपनी बीवी को कहता है कि द प्राइज हैविंग ऑब्टेन्ड The fruits are to ensue. Fruits यानी कि enjoyment of it is still outstanding. यानी कि अभी हमारी शादी की celebration still रहती है. That profits yet to come between me and you. और there still
remains to come enjoyment between you and me. और उसके बाद गुड नाइट एक्सिलेंट ओथेलो डेसिमोना एंड अटेंडेंट, ठीक है, और वो चले जाते हैं. कैसियो, वेलकम इएगो, वी मस्ट टू वॉच. और कैसियो कहता है मतलब वी मस्ट गो द वॉच, कि हमें देखना चाहिए कि क्या हो रहा है. बेटा एक्ट टू सीन थ्री पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है, इसको देखिएगा. और क्योंकि टेक्स्ट जो है वो आप अपनी अपनी बुक्स खोल लें, वहां से देख लें, क्योंकि ये अभी लिंक में नहीं है यहाँ पे. अच्छा जी, इएगो नॉट दिस और लेफ्टिनेंट दिस नॉट येट. मलिया बेटा क्या आप क्या कह रही हैं मैम, स्क्रीन का पेज थ्री वाला क्या? अस्सलाम वालेकुम मैम. मैम वो आपने बताया था ना कि जब स्क्रीन पे ठीक शो ना हो रहा हो तो आप मुझे बताया करें. हाँ हाँ, तो इस वजह से मैं आपको बता रही थी कि एक्ट टू सीन थ्री का ही चल रहा है, वो टेक्स्ट नहीं आ रहा था इस पे. बेटा टेक्स्ट मैंने आपको बताया, खुल भी नहीं रहा, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था. ओके ओके, मैंने लगा कि आपने शो कर दिया. क्लास में अनाउंस किया था कि अपनी अपनी बुक्स खोल लें, बिकॉज़ टेक्स्ट का लिंक काम नहीं कर रहा, कल भी नहीं कर रहा, ठीक है. ओके अपनी अपनी बुक्स खोल लें. अच्छा जी, उसके बाद जो है आगे चलते हैं. चीज वेलकम इएगो, वी मस्ट गो टू वॉच. इएगो नॉट दिस और लेफ्टिनेंट इज नॉट येट 10 o'clock. आवर जनरल कास्ट अस डज अर्ली फॉर द लव ऑफ हिज डेस्टिमोना, हु लेट अस नॉट देयर फॉर ब्लेम. ही हैज नॉट येट मेड वांटन द नाइट विद हर एंड शी इज सपोर्ट फॉर जम. इएगो नॉट फॉर एन और येट, वो कहता है कि नॉट दिस और लेफ्टिनेंट इज नॉट येट 10 o'clock. वो कहता है इस टाइम तो हम नहीं जा सकते क्योंकि इट इज नॉट 10 o'clock yet, मतलब अभी 10 नहीं बजे. Our general cast us thus early for love of his Desdemona. और हमारा ये जो general है, general dismissed us so early because of his love of Desdemona. मतलब वो तो हमें इसलिए छोड़ के गया ना क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ चला गया. So who let us not there for blame, or but let us not blame her. He had not yet made wanton the night with her. And she is not with whom, मतलब वो कहता है कि he had not yet made wanton night with her.
और वो जो है मतलब बेशक वो चला गया है अपनी बीवी के साथ क्योंकि उसकी अभी नई नई शादी हुई है, लेकिन वो जो है अदरवाइज वो हमें यहाँ पे अकेला ना छोड़ता है, एंड शी इज सपोर्ट फॉर जब। और वो जो उसकी बीवी है शी इज वन विद हुम इवन जब मे हैव अमोरस फोर, यानी कि गॉड ऑफ लव, जब किसे कहते हैं गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ लव को कहा जाता है, एंड शी इज सपोर्ट फॉर जब, और जो गॉड है गॉड ऑफ लव जो है वो उसके साथ है। कैसी हो? शी इज मोस्ट एक्सक्विसिट लेडी। और कैसी हो कहता है कि वो जो है मोस्ट एक्सक्विसिट लेडी है, एंड आई विल वारंट हर फन ऑफ गेम, और वो कहता है कि आई विल अश्योर हर फुल ऑफ सपोर्ट ऑफ लव। कैसी हो? इंडीड शी इज द मोस्ट फ्रेश एंड डेलिकेट क्रिएचर, इएगो व्हाट एन आई शी हैज, मी थिंक्स इट साउंड्स अ पर्ली ऑफ प्रोवोकेशन। और वो कहता है कि शी इज मतलब शी हैज एन एक्सीलेंट आई, इट अपीयर्स टू मी दैट आई स्पीक टू वन इन प्रोवोकेटिव लैंग्वेज इनवाइटिंग लव मेकिंग। अब वो यहाँ पे कहता है कि मतलब मैं हैरान हूँ, मी थिंक्स इट साउंड अ पर्ली ऑफ प्रोवोकेशन, कि उसकी कैसी सोच है, उसकी कैसी बिट है, और सो दैट इट अपीयर्स टू मी आई स्पीक टू बी वन इन प्रोवोकेटिव लैंग्वेज। मतलब उसका एक्चुअली वो कैसियो को इंटरनली वो उसके उसके दिल से कुछ फीलिंग्स जो हैं उसको जानना चाह रहा है अबाउट डेसडेमोना, दैट्स व्हाई। हालांकि इएगो जो है वो खवातीन को पसंद नहीं करता, औरत को पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ पे क्या है वो एक्चुअली उसको इंटरनली देखना चाहता है कि कैसियो के डेस्डेमोना के बारे में क्या ख्यालात हैं। तो वो डेस्डेमोना की तारीफ तो नहीं करना चाहता, लेकिन हाइपोक्रिटिकली वो जो है कैसियो को टैकल कर रहा है किसी तरह, ताकि कैसियो की जो डेस्डेमोना के बारे में फीलिंग्स है वो उसको जान सके। कैसियो एन इनवाइटिंग आई एंड येट मी थिंक्स राइट मॉडेस्ट, और शी हैज एन इनवाइटिंग आई एंड येट इट अपीयर्स टू मी इट इज परफेक्टली मॉडेस्ट। इएगो एंड व्हेन शी स्पीक इट इज नॉट एन अलार्म टू लव, और जब वो बोलती है तो डज इट नॉट गिव अ राउजिंग कॉल टू लव, यानी कि वो कहने का मतलब उसका ये है कि शी इज द स्लोगन ऑफ लव। कैसियो शी इज इनडीड परफेक्शन, इएगो वेल हैप्पीनेस टू देयर शीट्स कम लेफ्टिनेंट, और वो कहता है कि वेल मे देयर मैरिज बेड बी हैप्पी कम लेफ्टिनेंट, आई हैव अ स्टाउट ऑफ वाइन stoup of wine, and here without a brace of cypress gallants that would fain have a mire to the heat of black Othello. और यहाँ वो कहता है कि I have a stoup of wine, कि चलो हम wine के through, I have a tankard of wine, और फिर वो कहता है and here without a brace of cypress gallants, और यहाँ पे एक couple of cypress gallants है that would fain have mire to the heat of black Black Othello, who would be glad to have a drink in honor of Black Othello's health. ठीक है, वो Othello की Black Othello health की खातिर जो है वो यहाँ पे drink करेंगे in the honor of Othello. कैसी हो? Not tonight, good Iago. वो कहता आज रात नहीं. I have very poor and unhappy brains for drinking. वो कहता कि मैं जो हूँ जब drink करता हूँ तो मैं अपने आप को काबू नहीं रख पाता. I could well wish courtesy would invent some other custom of entertainment. और वो कहता है कि मैं किस फिर कभी मतलब किसी I would very well wish that polite custom should invent some other way of entertainment, के ये entertainment हम किसी और तरीके से कर लेते हैं लेकिन शराब पी के नहीं. Iago, oh they are our friends but one cup I will drink for you. और Iago उसको कहता है they are our friends but वो कहता है वो भी हमारे फ्रेंड्स ही हैं, यानी कि ये जितने गैलेंट्स खड़े हैं पीछे साइप्रस के ये भी हमारे फ्रेंड्स हैं, बट वन कप आई विल ड्रिंक फॉर यू, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारी खाते हैं एक कप जरूर पीऊंगा। कैसी हो? आई हैव ड्रंक बट वन कप टू नाइट एंड दैट वॉज क्राफ्टली क्वालिफाइड टू एंड बिहोल्ड व्हाट इनोवेशन इट मेक्स हियर। वो कहता है मैं आई हैव ड्रंक बट वन कप टू नाइट, वो कहता है मैं भी सिर्फ एक ही कप पीता हूँ एंड दैट वॉज क्राफ्टली क्वालिफाइड टू, लेकिन वो भी जो मतलब मतलब क्लेवरली डिल्यूटेड हो, मतलब मैं प्योर शराब नहीं पीता, थोड़ी बहुत पी लेता हूँ, एंड वी होल्ड व्हाट इनोवेशन इट मेक्स हियर, और यू कैन सी दैट इवन दैट मेड अ टेरिबल डिसऑर्डर इन माय हेड, और वो मैं थोड़ा सा भी अगर पी चुका हूँ तो वो मेरे दिमाग में एक टेरिबल डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है।
I am unfortunate in the infirmity, or वो कहता है I am unfortunate to have this weakness and dare not to task my weakness with anymore, और मैं जो हूँ I dare not to put a strain on it anymore. मतलब वो कहता है कि मैं शराब पी के अपने आप को काबू नहीं रख पाऊंगा, इस वजह से मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं मजीद शराब पीऊँ. Yeah, but what man tis a night of revels and gallant desiring, और वो Iago कहता है कि ये तो नाइट ऑफ रिवेलरी है और गैलेंट्स जो है वो चाह रहे हैं कि तुम शराब पी दो. कैसी हो, वेयर आर दे, Iago, हियर एट डोर आई प्रे यू कॉल देम, हियर एट डोर आई रिक्वेस्ट यू टू कॉल देम इन. कैसी हो, लाइन नंबर 41, आई विल डू इट बट इट डिसलाइक्स मी, वो कहता है कि आई शैल डू इट बट आई डोंट लाइक इट. Iago, इफ आई कैन फास्टन बट वन कप अपॉन हिम, और वो कहता है कि इफ आई कैन परसुएड हिम टू एक्सेप्ट ओनली वन कप. But that with he had drunk tonight already. कि उसने जो है मतलब वो कहता है सिर्फ with that कि सिर्फ एक कप तो तुम already पी चुके हो. He will be as full of quarrel and offense. और Iago क्या कहता है जब Cassio चला जाता है, if I can fasten one cup upon him, अगर मैं इसको जबरदस्ती किसी तरीके से एक कप पिला दूँ, with that which he had drunk tonight already. उसके साथ साथ जो कि एक कप ये ऑलरेडी पी चुका है और मैं इसको किसी तरह एक कप और पिला दूं, he will be as full of quarrel and offense. तो ये जो Cassio है ये full of quarrel और offense हो जाएगा as my young mistress dog. इस तरह से जैसे मेरी young lady का dog होता है, यानी कि ऐसे ये आपे से बाहर हो जाएगा, out of resistance हो जाएगा और ये अपने आप पे काबू नहीं पाएगा. So ये जो है आउट ऑफ जिसे कहना चाहिए एक टेम्परामेंट अपना लूज कर जाएगा. नाउ माय सिक फूल रोड्रिगो हुम लव हैड टर्न्ड ऑलमोस्ट द रॉन्ग साइड आउट, और वो कहता है नाउ फॉर माय सिक फूल रोड्रिगो, अब वो एक्चुअली ऑडियंस से बात कर रहा है कि देखो अब वो जो मेरा सिक फूल रोड्रिगो है जिसको कि मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, whom love had turned almost wrong side, jisko kiske love ne Desdemona, love of Desdemona ne totally jo hai turned wrong side out, wrong side out kar diya hai. To Desdemona had to nine caroused potations portal dean, jisko aur uski mohabbat kisse hai, he has drunk in Desdemona's honor, had to night caroused potations portal dean, aur wo kehta hai ye several पॉट्स ऑफ ड्रिंक है जो कि आज वो डेस्डेमोना के नाम पे पिएगा. एंड ही इज टू वॉच, और उसको ही इज टू बी ऑन लुक आउट, यानी कि मुझे अब उसको भी इस्तेमाल करना है जो कि डेस्डेमोना के की मोहब्बत में पागल है. थ्री लैड्स ऑफ साइप्रस है नोबल स्वेलिंग स्पिरिट. थ्री लैड्स ऑफ साइप्रस कौन कौन है, Cassio, ठीक है, नंबर टू रोडेरिको और नंबर थ्री ओथेलो. ये थ्री लैड्स हैं जिसको कि वो यूज करेगा नोबल स्वेलिंग स्पिरिट्स, और ये वो नोबल स्वेलिंग स्पिरिट्स हैं दैट होल्ड देयर ऑनर्स इन अ वेरी डिस्टेंस, जो कि अपना ऑनर्स जो है वो होल्ड करते हैं वेरी डिस्टेंस में, द वेरी एलिमेंट्स ऑफ देयर वॉर लाइक ईजल. और उनका जो ये जो उनका जो ऑनर्स हैं वो क्या हैं, ये उनके वेरी एलिमेंट्स हैं उनके वॉर लाइक Easels, यानी के people of this island. Easel कहते हैं people of this island. कौन सा island? That is the Venice. So I have I tonight flustered with flowing cup, or have tonight been confused by me with abundant wine. ये flowing cup यानी के abundance of wine. वो कहता है मैं इन सबको abundance of wine से इनको इनका जो माइंड है उसको अबंडन कर दूंगा. एंड दे वॉच टू, और ये भी देखेंगे. नाउ अमोंग्स दिस फ्लॉक ऑफ ड्रंक यार्ड, अमोंग्स मोंग्स लिखा हुआ ना, दैट इज अमोंग, ठीक है. और फिर वो कहते हैं नाउ आई एम टू इंड्यूस Cassio इनटू सम एक्शन अमोंग दिस ग्रुप ऑफ ड्रंक यार्ड, ठीक है. वो कहते हैं नाउ पुट आवर Cassio इन सम एक्शन दैट मे ऑफेंड द ईजल, और जो कि इस ईजल यानी कि साइप्रस, ईजल एक्चुअली यहाँ पे साइप्रस को कहा जा रहा है. वो कहता है कि अब जो है अमोंग द फ्लॉक ऑफ ड्रंक यार्ड, यहाँ पे जहाँ पे इतने सारे लोगों ने शराब पी होगी, मैं जो Cassio को किसी ऐसे एक्शन में मुबतला कर दूंगा दैट मे ऑफेंड द ईजल, जो कि साइप्रस की जो ईजल है
आइलैंड है, पीपल ऑफ द आइलैंड उसको ऑफेंड कर देगा, बट हियर दे कम, और लेकिन बट ये जो है बट हियर दे कम इफ कॉन्सिक्वेंस डू नॉट अप्रूव माई ड्रीम, और अगर इसके कॉन्सिक्वेंस यानी कि इसके नतीज अकॉर्डिंग टू मेरी सोच के ना हुए, मेरी ड्रीम के ना हुए, मेरे प्लान के ना हुए, माई बोट सेल्स फ्रीली, तो मैं अपनी बोट फ्रीली मूव कर जाऊंगा यहाँ से, बोथ विद वाइंड एंड स्ट्रीम, वाइंड और स्ट्रीम के साथ. वो कहता है इफ इन व्हाट फॉलोज माय होप्स आर कंफर्म, अगर तो मेरी जो होप्स है मतलब वो कंफर्म्ड हो गई, मेरे माय ड्रीम्स कम, इफ माय ड्रीम्स कम ट्रू देन माय बोट सेल्स फ्रीली, तो मेरी जो बोट है वो फ्रीली विद वाइंड एंड स्ट्रीम, एक्चुअली वाइंड एंड स्ट्रीम, बोट फ्रीली विद वाइंड एंड स्ट्रीम कहते हैं सक्सेस को. So then my plan will meet entire success. फिर उसके बाद re-enter Casio with him, Montano and gentlemen. ये एरो की जितने भी सॉलिड वॉयस है ना, ये बहुत ज़्यादा important है. Re-enter Casio with him, Montano and gentlemen. Servants falling with wine. Casio, for God, they have given me a rouse already. और Casio कहता है, I say before God, they have given me a full of draught of wine already. मतलब वो already मुझे जो है बहुत ज्यादा वाइन दे चुके हैं. मोंटेनो, गॉड गुड फेथ अ लिटिल वन नॉट पास्ट अ पॉइंट एज आई एम अ सोल्जर. और मोंटेनो कहता है आई इन गुड फेथ हैव अनदर लिटिल वन. वो कहता है एक और ले लो, इट इज नॉट मोर देन अ पॉइंट एज आई एम अ सोल्जर. मतलब ये जस्ट एक पॉइंट है, और जैसे कि मैं एक सोल्जर हूँ तो इससे कुछ भी नहीं होता. इएगो, सम वाइन हो, ब्रिंग सम वाइन हो सिंग्स एंड लेट मी Canakin clink clink and let me canakin clink clink. Or wo kehta let me clink the small tankard of wine and let me canakin clink and let me clink the tankard. A soldier's man, a soldier is also a man, a life but a span, and the duration of life is not but a short, matlab short hoti hai, duration of life is short. Why then let a soldier drink? So, एक सोल्जर, वाई देन लेट अ सोल्जर ड्रिंक, तो फिर एक सोल्जर क्यों इसको, मतलब इतनी छोटी सी जिंदगी है तो एक सोल्जर क्यों ये शराब नहीं पीता, यानी कि छोटी सी जिंदगी है, हंस लो जी लो खा लो पी लो, ठीक है. सम वाइन बॉयज हैव सम वाइन बॉयज, यानी कि वो फिर कॉल करता है कुछ बॉयज को कि भाई वाइन लेके आओ. Casio, for God, an excellent song. Casio declare karta, I declare before God, it was an excellent show. Excellent song. Actually, Casio ki ek appreciative nature hai jo ki yahan pe dikhai gayi hai. Iago, I learned it in England, where indeed they are most potent in porting. Your Dan, your German, and your swag, Belly, Hollander, drink ho are nothing to your England. अब यहाँ पे वो कहता है आई लर्नड इट इन इंग्लैंड, वो कहता है मैंने इसको इंग्लैंड में सीखा था, यानी कि सॉन्ग मैंने इंग्लैंड में सीखा था. एक्चुअली दैट इज अ सटायर ऑन इंग्लैंड, कि इंग्लैंड के लोग जो हैं वो ज्यादातर सिंगिंग में और ड्रिंकिंग में लगे हुए हैं. दैट इज रिप्रेजेंटिंग द रेनेसां, ठीक है, रेनेसां को रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लैंड जो है. इन द एज ऑफ रेनेसां जो है, रेनेसांस जो है, ये इंग्लैंड जो है एक सिंगिंग बर्ड, और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशंस हुई थी इटली से, तो इसको कहा जाता था ये नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स बन के रह गया था. तो यहाँ पे वही एलिमेंट है. दूसरा एक सटायरिकल अटैक किया गया इंग्लैंड के ऊपर, कि इंग्लैंड में जो ज़्यादातर लोग हैं या तो वो शराब पी रहे होते हैं, या वो नाच रहे होते हैं, या वो गा रहे होते हैं. यानी कि इंग्लैंड के लोग जो है वहाँ पे पोइट्री इतनी आम हो गई है कि वो हर वक्त मतलब they dwell in wine and they keep on dancing and drinking and so on. तो इसके अलावा उनको शायद कोई काम नहीं है. तो यहाँ पे इसलिए इंग्लैंड का बिल्कुल एक छोटा सा एक यहीं पे जिक्र हुआ है. शेक्सपियर की ट्रेजिडी में ना एक छोटा सा कॉमिक सीन आता होता है एक्चुअली, अक्सर हेमलेट के अंदर भी ऐसे ही है, कि वहां पे भी उसने इंग्लैंड को ही पोर्ट्रे किया था कि इंग्लैंड में ऐसे होता है, हालांकि पूरा ड्रामा किसी और जगह पे हुआ था, लेकिन जो उसके अंदर भी जो है इंग्लैंड का एक थोड़ा सा एक जैसे कहना चाहिए पिंच जो है ऑफ इंग्लैंड, या उसका जैसे कहते हैं ना एक कॉमिक सीन के अंदर वो इंग्लैंड का जिक्र करता है. वेयर इंडीड दे आर मोस्ट पोटेंट इन पॉटिंग, और जहाँ पे वो जो है हर वक्त ड्रिंकिंग में पड़े रहते हैं. योर डेन योर जर्मन द डेन द जर्मन, वो सब के सब किस में पड़े रहते हैं, शराब में, एंड
योर स्वैग बेलीड हॉलैंडर एंड द पॉट बेलीड हॉलैंडर ड्रिंक हो. वो कहता है जब इंग्लैंड में ये सब कुछ हो रहा है तो तुम भी पी लो. आर नथिंग टू योर इंग्लिश कैन स्टैंड नो कंपैरिजन विद एन इंग्लिशमैन. तो वो कहता है इंग्लैंड जिसे इतना मतलब सोफिस्टिकेटेड समझा जाता है, एक सोफिस्टिकेटेड नेशन समझा जाता है, अगर वो पी सकते हैं तो तुम क्यों नहीं पी सकते. इज योर इंग्लिश कैसियो इज योर इंग्लिश मैन सो एक्सपर्ट इन हिज ड्रिंकिंग. वो कहता है क्या इज द इंग्लिश मैन रियली सो गुड इन ड्रिंकिंग. तो वो कहता है इंग्लैंड में ये जो इंग्लिश मैन है वो वाकई इतने गुड इन ड्रिंकिंग में. Iago, why he drinks you with facility, your Dane dead drunk. Or wo kehta why he drinks and ease with would make that Dane teen dead drunk. Wo kehta wo wahan ka jo Dane hai wo bhi dead drunk, matlab itna peeta hai ki wo deadly drunk ho jata hai. He sweats not to overthrow your all men, or he does not have to work hard to beat a German. Theek hai, to wo jo hai एक जर्मन को बीट करने के लिए उसको बहुत ज्यादा वर्क हार्ड नहीं करना पड़ता. वो बस शराब पीता है और किसी ना किसी को मारना शुरू कर देता है. He gives your Hollander a vomit, and the next bottle can be filled. Or he makes the Hollander begin to vomit before the next pot can be filled. वो कहता है कि नेक्स्ट पॉट फिल करने से पहले पहले वो इतनी पी लेता है कि वो जो है वॉमिट हो जाती है उसको. तो कैसी हो टू द हीट ऑफ आवर जनरल आई ड्रिंक टू द हीट of our general. वो कहता है मैं ओथेलो की खातिर जो है हेल्प की खातिर यानी कि ओथेलो की खातिर मैं जो हूँ ये जो ड्रिंक है वो कर लेता हूँ. Montano, I am for it, Lieutenant. I will do you justice. Or I agree with you and it will echo you in drinking. वो कहता है I agree with you कि तुम ओथेलो की खातिर ये ड्रिंक कर लो. Iago, oh sweet England. Iago फिर अगेन सिंग करता है ओ स्वीट इंग्लैंड किंग स्टीफन वॉज अ वर्दी पीयर. और वो कहता है कि किंग स्टीफन जो है वो वर्दी फैलो था. हिज ब्रीचेस कम हिम बट अ क्राउन. और उसकी जो ब्रीचेस है वो कॉस्ट हिम ओनली वन क्राउन. ही हेल्ड देम सिक्स पेंस ऑल टू डियर बट ही मेंटेन दैट दे वर टू एक्सपेंसेस बाय सिक्स पेंस. और विद दैट ही कॉल्ड द टेलर long or with that he abused a tailor as a fool. wo kehta hai ki wo jo king stephen tha wo ek wordy fellow tha aur uske jo breeches the wo matlab jo ki uske ek hi crown ke upar uske breeches lage hue the wo kuch bahut expensive the by 6 pence lekin were too expensive by 6 pence. wo matlab acche khase expensive the. और क्या हुआ एंड विद दैट. और वो सिर्फ उस गाउन के जरिए उस ब्रीचेस के जरिए जो कि सिक्स पेंस का जस्ट उसका एक ब्रूच था जो कि उसके गाउन पे लगा हुआ था तो वो एक टेलर को एज अ फूल ट्रीट करता है. ही वाज अ वेट ऑफ हाई रिनाउन. और वो जो है एक ही वाज अ फेलो ऑफ ग्रेट रिनाउन अच्छा खासा जाना जाता था. एंड दाउ आर्ट बट ऑफ लो डिग्री बट यू आर बट ऑफ लो रैंक दिस प्राइड दैट पुल्स द कंट्री डाउन. लेकिन वो जो है मतलब था तो बहुत ज्यादा मशहूर लेकिन वो जो है एक लो रैंक का इंसान था जिसकी वजह से उसका जो प्राइड था विच ब्रिंग्स द कंट्री डाउन. देन टेक डाइन ओल्ड क्लॉक अबाउट दी एंड देन ब्रिंग योर मतलब योर ओल्ड क्लॉक अलोंग विद यू. और वो कहता है यानी कि वो जो है एक टेलर को जो है मतलब उसकी बेइज्जती करता है कि भाई तुमने जो है मतलब मेरा इतना बुरा गाउन सी है और उसके ऊपर जस्ट 6 पेंस का उसने ब्रूच लगा दिया था. तो उसने टेलर को जो है क्लॉक देते हुए कहा कि तुम एक इंतहा के लो रैंक के इंसान हो हालांकि तुम अच्छा खासा जाना जाते हो. और अगर मैं ये पहनूंगा तो शायद जो है ये जो मेरे लो रैंक की वजह से शायद मेरी जो पूरी नेशन है उसका डाउनफॉल हो जाए. वो कहता है ये पकड़ो अपना गाउन जो तुमने बनाया है और यहाँ से चले जाओ. सम वाइन हो कैसी हो व्हाई दिस इज मोर एक्सक्विजिट सॉन्ग देन द अदर. वो कहते हैं ये इतना ज्यादा ये कुछ एक्सक्विजिट यानी कि विटियर सॉन्ग है देन द अदर. Iago, will you hear it again? No, Cassio, no, for I hold him to be unworthy for his place and that does those things. वो कहता है नहीं अब ये गाना तुम दोबारा ना गाना क्योंकि मुझे अब इस पोजीशन पे ये गाना कुछ अजीब सा लगता है. वेल गॉड्स अबव ऑल एंड देयर बी सोल्स मस्ट बी सेव. और वो कहता है गॉड इज सुपीरियर टू एवरीवन और देयर आर सोल्स व्हिच मस्ट बी सेव. Iago, इट्स ट्रू गुड लेफ्टिनेंट
yes, you for my own part, no offense to the general. और वो कहता है for my own part, I do not mean any general or any other man of rank. I hope to be saved. और मैं मतलब मेरा मुझे मतलब I hope कि I shall be saved from my जो मेरा जो king है, मेरा जो master है, मैं उससे save हो जाऊँ. Actually वो बताने की कोशिश कर रहा था एक poem के अंदर. Iago जो है अपनी poem के अंदर वो ये show करता है कि बादशाह जो है वो बहुत छोटी छोटी बातों पे अपने tailor को बेइज्जत करते हैं. उसके टेलर ने उसका इतना अच्छा गाउन सिया था लेकिन उसके ऊपर सिर्फ उसने 6 पेंस का जो ब्रीच लगा दिया था, उसके जो ब्रीचेस थे वो 6 पेंस के थे, जिसकी वजह से उस बादशाह ने उस टेलर को अच्छा खासा, उसी नो टेलर को बहुत ज्यादा बेइज्जत किया. और उस बादशाह का प्राइड ही था जिसकी वजह से वो कंट्री जो है वो उसका डाउनफॉल हुआ था. और देन टेक दाइन एंड क्लॉक अबाउट दी, और वो टेलर को कहता है तुम ये अपना, मतलब ऐसे बादशाह जो है उनका प्राइड ही होता है जो कि मुल्क को ले डूबता है. और वो कहता है उसको कि भाई तुम अपना ये गाउन उठाओ और यहाँ से जाओ. तो यहाँ पे वो कहता है कि कैसियो ये कहता है आगे जवाब में कि जब इयागो उसको कहता है मैं ये गाना तुम्हें दोबारा सुनाऊं, तो कैसियो कहता है नहीं, मतलब मे बी हर कोई सेव हो अपने बादशाह से और ऐसा जुल्म किसी के साथ भी ना हो और गॉड सबको अपनी हिफाजत में रखे. तो इयागो कहता कैसियो कहता है फॉर माई ओन पार्ट नो ऑफेंस टू जनरल, और अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से जनरल के सामने कोई खता ना हो. नॉट एनी मैन ऑफ क्वालिटी, आई होप टू बी सेव, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो जैसे उस टेलर ने की थी. इयागो एंड सो डू आई टू लेफ्टिनेंट, और आई होप सो. कैसियो ए बट By your leave, not before me, the lieutenant is to be saved before the ancient. Or yes, but by your permission, not before me, not before I have been saved, before the ancient. Let's have no more of this. Let's do our affair. और वो कहता है कि हमें किसी भी मतलब I have been saved here and the lieutenant must be saved before the ancient. मतलब उसको पूरी nation के सामने save होना भी चाहिए. अब वो कहता है हमें इस इन अफेयर्स के बारे में नहीं बोलना चाहिए, अब हम कुछ और बात करते हैं. फॉरगिव अस आवर सिंस, और वो मे गॉड फॉरगिव अस आवर सिंस. जेंटलमैन लेट्स लुक टू आवर बिजनेस, हम अपना काम करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं. जेंटलमैन डू नॉट थिंक जेंटलमैन आई एम ड्रंक, क्या तुम्हारा ख्याल नहीं है जेंटलमैन कि मैं ड्रंक हूँ. दिस इज माई एंशियंट, दिस इज माई राइट हैंड एंड दिस इज माई लेफ्ट, और दिस इज माई एंसाइन, दिस इज माई राइट हैंड एंड दिस इज माई लेफ्ट हैंड. I am not drunk now. I can stand well enough and speak well enough. और वो कहता है मैंने अभी तक इतना नहीं drunk किया. मैं जो हूँ well हूँ, can stand well and speak properly. All excellent well. Cassio, why very well then? You must not think that I am drunk. और तुम्हें why then very well? कि तुम क्यों very well क्यों बोल रहे हो जबकि मैंने इतना ज़्यादा नहीं पिया हुआ. Montano to the platform. Masters come, let's see the watch. Let us go to platform. Gentlemen, come, let us replace the watch. Iago, you see the this fellow that is gone before. Or Iago कहता है क्या तुमने इस fellow को देखा जो कि अभी पहले गया था? He is a soldier fit to stand by Caesar. ये एक ऐसा soldier है जो कि to stand by the side of Caesar, जो Caesar जैसा है, and give direction and do but his voice. और direct करता है how to fight a battle. This to his virtue are just equinox, but just see his weakness. Equinox कहते हैं, this to his virtue, equinox कहते हैं उसकी इतनी virtue में उसके अंदर एक weakness भी है. Equinox weakness को कहते हैं. The one as long as the other, this pity of him. तो वो कहता है कि उसकी जो weakness है, just see his weakness, it is exactly equal to his virtue, for this is one the other. Equinox कहते हैं कि equal को ना, और vice कहते हैं उसकी weakness को. ठीक है, vice कहते हैं उसकी weakness को और equinox कहते हैं equal को. अब वो यहाँ पे कहता है कि वो कहता है कि ये जो है सोल्जर जो यहाँ पे खड़ा था अभी कुछ देर पहले, वो बिल्कुल सीजार जैसा है जो कि डायरेक्ट करता है कि बैटल में फाइट कैसे करते हैं, और जो ये देखता है बट जस्ट सी हिज वीकनेस, लेकिन उसके अंदर एक कैरेक्टर फ्लॉ भी है, उसकी एक वीकनेस भी है, और जो कि उसकी इक्वल टू हिज वर्च्यू है, फॉर दिस इज वन एज द अदर.
यानी कि उसके अंदर एक थोड़ी बहुत मतलब वीकनेस भी है, लेकिन उसकी वो भी उसके वर्च्यू के बराबर है, यानी कि उसकी वीकनेसेस भी उसके वर्च्यू के बराबर है. दिस पिटी ऑफ हिम, Equinox जो है उसको क्या कहते हैं, the time or date twice each year at which the sun across the celestial equator when day and night are of equal length about 22 September and 20 March. ठीक है, this one as long as the other, मतलब ये इस दोनों एक दूसरे के बराबर है, this pity of him. लेकिन हम this pity of him इसको मतलब in this case मतलब it is a great pity. One some odd time of his infirmity, I am afraid that the trust Othello has put him, this man may at some chance change the time of his weakness, will shake his island. कि अगर वो इस तरह के इंसान भेजोगे कैसियो है तो शायद वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा इस आइलैंड में. अच्छा जी, Montano, but is he often does, but if Montano फिर वो कहता है, but is he like this often? कि क्या ये इसी तरीके से behave करता है Iago, this evermore the prologue to his sleep, और he is always like this before going to sleep, कि वो हमेशा ही ऐसे करता है, मतलब सोने से पहले वो इसी तरीके से बेवकूफियां करता है और उसके अंदर ये flaw है, और वो कहता है मुझे डर है कि कहीं Othello जो है ना वो उसकी इस मतलब Othello के लिए ये इस आइलैंड पे कोई डिस्टरबेंस ना क्रिएट करे. ही विल वॉच द होलोग अ डबल सेट, और इफ देयर इज नॉट ड्रिंक टू पुट हिम टू स्लीप, के मतलब अगर उसको जो है ड्रिंक ना दिया जाए, इफ ड्रिंक रॉक नॉट हिज क्रेडल, कि अगर उसको ड्रिंक ना किया जाए, वो ड्रिंक ना करे, ही विल वॉच द होलोग अ डबल सेट, ही मे रिमेन अवेक फॉर टू राउंड्स ऑफ द क्लॉक. अब वो जो है Montano को बताता है जब Cassio वहां से चला जाता है, वो कहता है कि ये जो Cassio है मतलब उसको वो सीजार की तरह कहता है कि ये है तो सीजार की तरह, लेकिन जो है इसके अंदर